फसल निकालने के बाद अवशेष को ऐसे निकालें जो कि मल्चिंग भी निकलने में परेशानी ना हो, ड्रिप भी समेटने में परेशानी ना हो। ये देखो रोज सी बना दे, ये दो मल्चिंग ऐसे निकल जाएंगे। ये देखो दोस्तों, इस अवशेष को इकट्ठा करके जला भी दो या खेत से बाहर निकाल सकते हो, बाहर निकाल दो, कोई इशू नहीं है। ये देखिए कचरी का बेल था जो इस बार ठंड की वजह से थोड़ा ज़्यादा ही चल गया, नहीं तो इसका 65 दिन का टाइम होता है, 70 दिन 65 दिन का, ठंड की वजह से इस बार ज़्यादा ही। ये देखो ये निकल गया मल्चिंग से, इसको समेट लेंगे अब, इसको समेट के जलाना नहीं है दोस्तों, इसको कबाड़ी वाला ले लेता है 8 से 10 रुपए किलो। मैंने ये 21 माइक्रोन का मल्चिंग लगाया था जो कि एक ही बार फसल में काम देता है।